हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिडक्स एक्शन क्रिएटर्स इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन जी हाँ गाइस तो आज का वीडियो बहुत ऑसम होने वाला है एंड अभी तक अगर आपने बाकी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है सो so, हमने समझा वट इज रिडक्स देन हमने देखा वॉट इज रिड्यूस फंक्शन देन हमने देखा हाउ टू क्रिएट ए स्टोर जिसमें गेट स्टेट एंड देन डिस्पैच मैथड देखा बट आज हमें देखना है व्हाट इज एक्शन क्रिएटर्स ठीक है सो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा एक्शन क्रिएटर कोई ये रिडक्स का एक हिस्सा नहीं है इट जस्ट एक कन्वेंशन है आपके रिडक्स जो कोड है उसको और बेटर बनाने के लिए स्पेशली आपका जो एक्शन वाला जो पार्ट है उसको और बेटर बनाने के लिए तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते व्हाट इज रिडक्स एक्शन देखो एन एक्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिडक्स वॉट वी वॉन्ट टू डू ठीक है हमें क्या करना है देन इट मस्ट हैव अ टाइप प्रॉपर्टी डैट डिस्क्राइब द एक्शन एंड इसका एक टाइप प्रॉपर्टी होता है जो ये डिस्क्राइब करता है वॉट इज एन एक्शन जो कि हम कल के वीडियो में देख चुके हैं जब मैंने आपको स्टोर में डिस्पैच मेथड की मदद से बताया था कैसे आप इस पर्टिकुलर एक्शन uh, को कॉल कर सकते हो ठीक है तो हमने ये देख चुका ऑलरेडी तो अभी तक अगर कल के वीडियो चेकआउट नहीं किया तो जो चेकआउट कीजिएगा जिसमें वो है टाइप जिसमें आपको एक्शन टाइप बताना है देन पेलोड में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है पास कर सकते हो नाव अब बात आती है वॉट इज एक्शन क्रिएटर्स जहाँ पर आप एक देखो ना एक चीज देखो दिस इज योअर एक्शन राइट दिस इज योअर एक्शन एंड दिस इज नथिंग बट योर एक्शन क्रिएटर एक्शन को क्रिएट करने वाला इज योअर एक्शन क्रिएटर बट हम ऑलरेडी कल के वीडियो में एक्शन तो क्रिएट कर चुके तो अब ये कौन सा क्रिएटर है क्या कोई डायरेक्टर है क्या मूवी का डायरेक्टर है क्या ये नहीं ना क्या मैं आपको बता दू देखो एंड एक्शन क्रिएटर इज अ फंक्शन तो अब ये एक फंक्शन है राइट right? अगर हम यहाँ पे देखते तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट लग रहा है बट यहाँ पे नाउ ये अब आप आपका एक फंक्शन है डैट क्रिएट्स एन एक्शन ऑब्जेक्ट दिस मेक्स इट इजियर टू क्रिएट एक्शंस विथ डिफरेंट डेटा मैं आपको बताता हूँ क्या देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है देखो नो मैटर वाट नो मैटर वाट अगर मैं आपको दिखाऊँ ये जो पर्टिकुलर डेटा आपको दिख रहा है इतना है ना यहाँ पे ये जो चीज़ एक दिख रही है आपको ये तो हमने कल भी देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले जो एक्शन जो आपको रिडक्स में मिलता है वो भी सेम वही तो है ये क्या डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि ना वो जो एक्शन है वो जो डिस्पैच है उसको हम क्या कर रहे हैं हम एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली अब हम एक फंक्शन बना रहे फॉर ईच एक्शन टाइप अब कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए कि मैं जस्ट इस फंक्शन को कॉल करूंगा एंड ये सब कुछ ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाएगा समझ हो एल्स मुझे हर बार ये लिखना ही पड़ता था बट अब मुझे इतना कुछ नहीं करना है मैं खाली इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये ऑटोमेटिक इसको कॉल कर देगा समझ रहे हो तो अब मैं आपको बताता हूँ देखो क्या है वे देखना ठीक है तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला भी नहीं आपको मजा आएगा ध्यान से देखिए ये जो मैं कल ना इस तरीके से मैं एक्शन को डिस्पैच कर रहा था बेसिकली मैं कोई भी एक्शन को कॉल कर रहा था कि हाँ भाई मुझे मेरे टू डू एप्लीकेशन में ऐड करना है हाँ सुनो मुझे डिलीट करना है एंड उसके लिए मैं क्या कर रहा था मैं ये कर रहा था ना स्टोर डॉट डिस्पैच एंड देन ये सब वो सब तो आपने एक चीज नोटिस की या नहीं बट हाँ आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हो एंड डैट इज कि ये जो टाइप एड टास्क टाइप एड टास्क पे लोड पे लोड तो जब भी आपको ये एड टास्क कॉल करना पड़ेगा ये आपको ये सेम पीस ऑफ कोड हर बार आपको लिखना ही पड़ेगा नो मैटर वॉट तो क्यों ना हम इसको थोड़ा कम कर दें तो वही आई मीन यही आपका एक्शन क्रिएटर काम आता है देखो कैसे ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है इसको ही मैं वापस से रिक्रिएट कर रहा हूँ ठीक है ये कोई रिडक्स का पार्ट नहीं है इट जस्ट आपको पन आई मीन रीड करने में इजी हो लोगों को समझने में इजी हो तो कैसे करते हैं ठीक है सो स्टेप फाइव पे हम चलते हैं देखो अब आपको फंक्शन का नाम चाहिए क्या होगा देखो आपको डेटा को ऐड करना है टास्क को ऐड करना है तो आप कुछ इस तरीके का बना सकते हो ऐड uh, टास्क ये फंक्शन का नाम ऐसा बना सकते हो राइट दिस इज ठीक है अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है ये कंप्लीट इसको कॉपी कीजिए ठीक है यहाँ पे पेश कर दीजिए एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे उसको रिटर्न लिखना पड़ेगा इस तरीके से ऑल राइट नाउ अब ये जो पेलोड का जो डेटा है कभी भी आप कभी भी अगर फंक्शन क्रिएट करते हो तो वहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा तो लिखते नहीं है डेटा ऑलवेज हमें कहीं ना कहीं से मिल रहा होता है तो ये जो पार्ट है इसको मैं हटाऊंगा मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे डेटा जब भी कोई इसको कॉल करेगा जब भी कोई ऐड टास्क को कॉल करेगा मुझे वो डेटा दे रहा है मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली मैं ये करूंगा भी क्यों नहीं करूँगा बोलो क्यों क्योंकि जब कोई यहाँ पे कुछ लिख रहा है बाय uh, मैंगो uh, तो ये ही तो वो डेटा है ना जब मैं एड टास्क पे क्लिक करूंगा तो मैं ये एज ये वाला डेटा तो मैं पास करूंगा ही करूँगा एज अ पे तो वो डेटा मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा एंड मैं यहाँ पे पेश कर दूँगा इस तरीके से दिस इज इट अब ये जो एड टास्क है मैं अब यहाँ पे इस तरीके से पेश कर दूँगा ठीक है डिस्पैच तो हमें करना ही पड़ेगा लेकिन अब जहाँ तो आप खुद देखो ना इतना लंबा कोड लिखने से अच्छा तो कितना ईजी हो गया कि इस कोई भी अब डिस्पैच कर रहा है तो वो किसको कॉल कर रहा है इस फंक्शन को कॉल कर रहा है जो ये रिटर्न कर रहा है अब यहाँ पे बस मुझे वो डेटा पास करना पड़ेगा दैट इज़ बाय थापर टेक्निकल कोड इस तरीके से लिख देता हूँ दिस इज इट तो अब आप मुझे एक बात बताओ आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि अब आप कोई भी फंक्शन को कॉल करोगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये, ये वाला आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कितना अजीब सा लग रहा है ये टाइप एड टास्क एंड ऑल वो सब ये सब है ना बट अब आप देखो ना इसको ही कॉपी करता हूँ पेस्ट एंड यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ ठीक है अब देखो इसी को ही मैं ये पूरा का पहले तो ऑब्जेक्ट से मुझे छुटकारा मिलने वाला है ठीक है इसको मैं किस इस तरीके से डाल देता हूँ इसके पैरेंथिस के अंदर एंड ये जो एड टास्क है यहाँ पर रख देता हूँ दिस इज़ इट सो so ये है ब्यूटी आपका एक्शन क्रिएटर्स का जहां पे अब आप, आप कितनी इजीली फंक्शन को कॉल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच मेथड सो ये काम यही है आपका एक्शन क्रिएटर्स आपका जो लाइफ है जो कोड है उसको हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं जिससे अब ये देखो ना रीड करने में ईजी समझने में भी ईजी सेम हम ये डिलीट के साथ भी करेंगे अब ठीक so uh, है सो कॉन्स्ट डिलीट है ना टास्क विल बी इक्वल टू इस तरीके से यहाँ पे हम रख देते हैं सो वी नीड टू रिटर्न एंड देन यार दिस इज इट अब ये ऑब्वियसली पेलोड में यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ जब भी कोई डिलीट पे क्लिक करेगा मुझे वो आई देने वाला है दिस इज इट अब ये डिलीट वाले को कॉपी करूँगा इसको कमेंट इसको uh, एक सेकेंड इसको कॉपी करता हूँ है ना ये पूरा हटा रहा हूँ मैं डिलीट टास्क एंड यहाँ पे वो वैल्यू वन दिस इज इट सो so, अब आप खुद देखो कितना ईजी हो गया ना टास्क को कॉल करने में कोई भी एक्शन को बेसिकली डिस्पैच करने के लिए कितना ईजी हो गया विद दी हेल्प ऑफ वॉट आवर एक्शन क्रिएटर्स सो गैस ये है आपके एक्शंस क्रिएटर जो आपका जो कोड है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई Easy to read and then write बना देता है और कुछ नहीं So yeah, this is it। आज इस वीडियो के, आप के अंदर इतना सब कुछ आपने कैसे कर सकते वो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सो आई हो आप बहुत ही ज्यादा क्योंकि रिएक्ट के साथ कनेक्ट करना मजा आ जाएगा है ना सो so, गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों लेक सब्सक्राइबर्स सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा मिलता हूं कल की वीडियो में टिल दिन का थैंक यू सो मच टेक केयर